मुसीबत है क्या भाई मुझको आपका नाम क्या है और कहां रहने वाले हो? कहां क्या है कि एक साथ दोनों पुराने जहर पीने जा रहे हैं? ये आ गए हमारे भाई जान। आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? देखो भाई जान, मैं इसी अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनवर खान है भाई जान, और इस जहर को पी करके आज हम आत्महत्या करने जा रहे थे। इसका कारण जानना चाहते हैं भाई जान। मेरी बात सुनो भाई जान, गरीबी की गरीबी घर में गरीबी के कारण हम दोनों प्राणी जहर को पी करके मरना चाहते थे भाई जान। अपना ईद का त्योहार भी आया है और ईद का सामान लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है भाई जान, इसीलिए हम दोनों प्राणी जहर को पी करके मरना चाहते थे भाई जान। अनवर भाई जान, देखो एक मुसलमान आप, एक मुसलमान मैं, एक बिरादर आप और एक बिरादर मैं। वो बिरादर क्या है जो एक बिरादर के काम में आए भाई जान, और वो मुसलमान क्या है जो एक मुसलमान के काम में आए भाई जान।
सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुसलमान भाई, अरे वाह मुसलमान क्या है, जय एक मुसलमान के काम है भाई जान, और वो बिरादर क्या है, जय एक बिरादर के काम है भाई जान। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आज त्योहार का दिन, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई जान, मैं सिर्फ आपके घर में रहने के लिए थोड़ा सी जगह चाहता हूँ। या मालिक, मैं इन्हें जानता पहचानता भी नहीं हूं, और ये हमारी मदद कर रहे हैं, उसके बदले में मेरे घर में रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। न जाने कैसे इंसान हैं, कहां से आए हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है भाईजान? अनवर भाईजान, मेरा नाम अशरफ खान है, हम इसे किले में नौकरी करते हैं। मैं किसी काम से जा रहा था, मैं आप सबके रोने के बाद सुना, मैं भागते भागते यहां तक आ गया भाईजान। या मालिक, मैं इन्हें कैसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दूं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, घर में हमारी बेगम शहीदा और मैं रहता हूं, न जाने कैसे इंसान घर में जगह दे दूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इस बात को अपने दोस्त अपने भाई धर्मेंद्र को बुला करके उससे राय लेता हूं। धर्मेंद्र, जी भाईजान, आप हमें याद किए। देखो धर्मेंद्र, एक मुसाफिर आए हुए हैं धर्मेंद्र, वो मेरे लिए पैसे दे रहे हैं, ईद का सामान लाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, उसके बदले में अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं। इसी किले में नौकरी करते हैं भाईजान, उनका नाम मोहम्मद अशरफ खान भाईजान है, अपने ही बिरादर के हैं। अगर तुम्हारी राय हो तो मैं उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह जरूर जरूर भाईजान, जो कि रमजान के महीने में ईद के समय चल रहा है भाईजान, और आपकी मदद कर रहे एक इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए एक फरिश्ते हैं भाईजान। अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनकी जरूर मदद करूँ भाईजान, तो इनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह क्यों न दे दिया जाए भाईजान। अशरफ भाईजान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बात क्या है? हमारी बात सुनो अशरफ भाईजान, तेरे दर्शन से
अशरफ भाईजान आपकी बात हमें मंजूर है। देखो अशरफ भाईजान आप हमारे घर में रहिए लेकिन आप हमारे बिरादर हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारे साथ गद्दारी मत करना अशरफ भाईजान। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ अशरफ भाईजान। अनवर भाईजान मैं ये सब कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपको देखने में और सुनने में भाईजान बुरा लगे। देखो भाईजान मैं तो एक परदेसी आदमी हूँ, आज यहाँ हूँ कल हो सकता है मेरी ड्यूटी और कहीं लग जाए। ला हम बतियाते रहे आप सब एक चित्त, हम भूल इन गए बात बात में। बात यह भैया अब अहिं जैसे भाईजान कहा था है कि हमें यहाँ पर रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे और कहीं परदेसी आदमी कहीं भी ड्यूटी सरकारी ड्यूटी ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों ना भाईजान जाने से पहले इनकी फोटो ले लिया जाए, खींच ले। क्यों? अरे जाने की बात जब कभी याद आएगी तो फोटो देख लेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ही कि आज से ये हमारे घर के एक सदस्य हो गए और तुम इनकी फोटो एक खींचना चाहते हो जी भाईजान, ताकि इनके जाने के बाद जब कभी याद आए तो उस फोटो को देख करके हम लोग अपने दिल में तसल्ली महसूस करेंगे। जी भाईजान, भाईजान मेरा एक साथी है आपकी फोटो लेना चाहता है, कहता है कि भाईजान चले जाएंगे कभी न कभी तो कम से कम यादगार के लिए तो कुछ साथ में रहना चाहिए। भाईजान आप भी साथ में हो जाइए। भाईजान हो गया, सोचा था भाईजान इनका एक ही अकेले में ले ली का। मजाक करना शुरू कर दिया पागल कहीं के। कैसे इंसान है कैसे नहीं है, उल्टा सीधे क्यों बोलता है? नहीं समझ पाया। अबे तालुक आप खड़ा रहा साथ है तब फोटो खींच लें, फोटो ले ली। अब सोचते इनका अकेले में ले हम फोटो को। अकेले फोटो लेना चाहता है, एक का ही फोटो। ठीक है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे खड़ा हुआ भाई अब हीले डूले जिन तनको गड़बड़ाए तो फिर समय लटेड़ बाकुल हो जाए तो ना बता पाओ। और अगर हमूर हमूर अगर तनको सकमकाना तो हम ले ना पाओ भाई। साला ऐसी उल्टी सीधी बात करता है, पता नहीं वो भाषा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, उल्टा सीधा मजाक करता है पागल कहीं की। भाई जान का भाई जान का मरवा के किनारे बा। हाँ। अब बीचे में हो तो बढ़िया रहन, अब आगे कैसे ले ले तो पीछे कैसे। अच्छा, मारा जब तलुक हमका हिसाब न बैठी तब तलु सही से लेब कैसे। जब तलु हेमन फोटोइया आई न सही से तो खींच। अच्छा ठीक है, ले ले ले। अरे अरे ऐसे ऐसे तनी और हिमर हुई ले। हाय हाय हो गया, देखा ले लिहिन जनान तनको फोटोइया। हां सुन, इसमें से एक फोटो हमें दे देना। जरूर जरूर, जो अकेले वाली फोटो है जी, उसको हमें दे देना जी। क्योंकि मैं भी अपने साथ रखूंगा, याद बहुत आएंगे। आज हमारी ऐसे मदद ही कर रहे हैं कि मैं एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। मैं गरीब भले हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ मेरे भाई जान। ठीक है, जाओ आप जाइए और आप अपना सामान ले करके आप हमारे घर पर आइए, मैं इंतजार करूंगा भाईजान। अल्लाह हाफिज भाईजान। शहीदा देखो शहीदा, आज तुम त्योहार के लिए रो रही थी ना, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने ऐसी मदद किया कि हमारे पास काफी पैसे हो गए। मैं आगरा शहर जाऊंगा, तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगा, अपने लिए कपड़े लाऊंगा। इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो,
साहब ठीक हो जाएगा। चलो जी अल्लाह कि अल्लाह मेरा पार लगा दे का सपना, अल्लाह मेरा पार लगा दे और आ गए आप हमारे अंगद भैया, आप कल्याणपुर के धरती से 11 रुपए का पुरस्कार है। बार बार नमन नमा भाई जान को सलूम सलाम करूं। समझते थे जब से मैं हिंदुस्तान में आया, आज मैं हिंदुस्तान में आया, मुझे रहने के लिए कहीं पनाह नहीं मिला। पनाह मिला है तो सिर्फ अनवर के घर में। आई अनवर, हम तुमको जब पैसा दे रहे थे तो मैंने क्या देखा? जहां मैं अनवर को पैसा दे रहा था, जो उनकी बेगम है शहीदा बानो। अगर शहीदा शहीद क्या चीज है यार, शहीद अगर हमारी बेगम बन जाए, शहीद अगर हमारी बेगम बन जाए, हमारे साथ जाएगी पाकिस्तान में, इसकी इबादत होगी, इसकी पूजा होगी, जिस रास्ते से गुजरेगी लोग देखेंगे ये कहेंगे वो देखो अशरफ खान की बेगम आ रही है। दोस्तों जिस तरीके से आप जो शांति बनाए बैठे हैं, ऐसे तरीके से आप तो राजभवन शांति बनाए बैठे रहेंगे। दोस्तों वादा करता हूं कि आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में ये हमारे श्री माननीय महोदय मामा भांजा नौटंकी की पार्टी आई है, ये पार्टी आई है तो आप लोगों को कोष्ट को जो नसीहत देकर जाएगी, खेल मजा तो वाह।